नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। नगर पंचायत ढकिया में लगाया गया कैंप, 200 मरीजों का फ्री इलाज। मुरादाबाद जिले की नगर पंचायत ढकिया में आज एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मोतियाबिंद के 200 मरीजों का फ्री इलाज किया जाएगा। आपको बताते चले कि बरेली के श्री राम मूर्ति हॉस्पिटल के माध्यम से आज नगर पंचायत ढकिया में डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर आज एक कैंप लगाया गया, जिसमें आंखों की समस्या के मरीजों की जांच की गई और जिसमें 200 मरीज मोतियाबिंद के पाए गए, जिसमें उन मरीजों का बिना कोई शुल्क लिए बरेली हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाएगा। वही डॉक्टरों ने बताया कि हम जगह जगह कैंप लगाकर निःशुल्क जांच करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक मरीजों को दवाई भी देते हैं, जिसमें मरीज को किराए से खाने पीने का कोई भी खर्चा नहीं लिया जाता। कैंप के माध्यम से जो लोग जांच कराते हैं, जांच के दौरान अगर मोतियाबिंद पाया जाता है तो उन लोगों को श्री राम मूर्ति हॉस्पिटल बरेली में निःशुल्क इलाज किया जाता है। आज नगर पंचायत ढकिया में डॉक्टर शाहनवाज के क्लिनिक पर कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर साकिब मलिक, डॉक्टर राजू, डॉक्टर टक्कन अंसारी, डॉक्टर उदित आदि मौजूद रहे। ZTV न्यूज 24 डिलारी मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। डॉक्टर भोरे खान, सुल्तानपुर मंडा। आँखों को दिखाने के लिए जानकारी आपको कैंप किन के द्वारा लगाया गया है? ये डॉक्टर साविज के द्वारा। कहाँ से कैंप लाया है ये? इनका राममूर्ति स्थल बरेली से। तो पहली बार आपने कैंप लगाया? हाँ, पहली बार। क्या समस्या आपकी आँखों में? आँखों में थोड़ा धुंधलापन था। जाँच हो गई आपकी? हाँ, जाँच हो गई। क्या पाया गया? सही जाँच है, बढ़िया है। कितने रुपये की फीस? निःशुल्क सेवा है। हाँ, दवाई फ्री में। ये बढ़िया है, जनता के गरीबों के लिए हितकारी है और बढ़िया है। अहमद हुसैन। कहाँ से आए हो? चांदखेड़ी। अच्छा, आज कहाँ आए हो आप, क्या मामला है? आज यहाँ कैंप में आए। कौन सी जगह कल लगा है? राम मूर्ति ढकिया। ढकिया ढकिया जगह। क्या समस्या थी आपको जो आप आए? मोतियाबिंद था। क्या आपने इससे पहले दिखाया? हाँ। क्या फायदा मिला? फायदा मिला, पूरा पूरा फायदा मिला। लेंस का समस्या क्या थी आपकी? आपने मोतियाबिंद पानी आ गया दोनों आँखों में, लेंस डलवाए हमने, बढ़िया दिख रहे आप, बढ़िया। तो क्या कहना चाहोगे, जो कैंप लगा है निःशुल्क सेवा की जा रही है? जी जी। क्या कहना चाहोगे? लगाओ, बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है। मतलब फ्री में इलाज हो रहा है, क्या करना चाहोगे? हाँ, करवाओ फ्री में, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है, बढ़िया है। और ये शाहनवाज भाई के द्वारा लगा है। कितना फ़ायदा मिला आपको? बहुत फ़ायदा मिला। डॉक्टर साहब, आज जो कैंप लगाया गया है, किस जगह लगाया है और किस अस्पताल के संबंधित लगाया है? ये मैं आपको बता दूं, ये श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, ये 1200 बेड का हॉस्पिटल है बरेली में, ये सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो ये ट्रस्ट के द्वारा भी हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं तमाम पूरे मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में। तो इसमें ख़ास तौर से आज जो हमने कैंप किया है वो मोतियाबिंद के लिए किया है। तो ये बिल्कुल हम फ्री ऑफ कास्ट करते हैं इस कैंप को पूरे इलाके में। इसमें जो है अब तक लगभग करीब करीब हम जब से 2002 से हॉस्पिटल शुरू हुआ है, अब तक लगभग करीब करीब 50,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल निःशुल्क होता है। आज ढकिया में कैंप लगाया गया है, कितने मरीजों का मतलब? इसमें आज हमने लगभग करीब 125 मरीज देख लिए, ठीक है, जिसमें करीब करीब 20 लोगों को मोतियाबिंद के लिए हम लोगों ने चयनित किया है, जिनके लिए हम कल गाड़ी भेजेंगे यहाँ। वो गाड़ी इन मरीजों को यहाँ से लेके जाएगी, वहाँ ऑपरेट होंगे राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में, और वही गाड़ी ऑपरेशन के बाद फिर ढकिया वापस छोड़ने भी आएगी। इनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, जो बिल्कुल फ्री होंगे। इनके लिए खाना फ्री है वहाँ, लेंस, ऑपरेशन, चश्मा, दवाई, खाना पीना, बस का लाना छोड़ना, ये सब बिल्कुल फ्री रहता है। अच्छा, आज कैंप जो मरीज देखे गए हैं, कितने मोतियाबिंद पाए गए हैं बरेली? लगभग करीब करीब यहाँ पर लगभग 30 से 35 लोग मोतियाबिंद के लिए पाए गए हैं, जिसमें 20 लोग तो जो है जाने के लिए रेडी हो गए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कर लिया है, और उन्हीं के लिए हम कल गाड़ी भेजेंगे यहाँ। जी, आप कैंप के माध्यम से क्या संदेश देना चाहूँगा? भाई, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी छोटी छोटी बीमारी को भी हमेशा मरीज को बड़ी बीमारी समझनी चाहिए, और अगर मोतियाबिंद की स्टार्टिंग हो गई है तो बेहतर है कि उसको जो है पकने से पहले ही, जो कि लोग इतना पका लेते हैं कि कुछ मरीज आज ऐसे भी आए थे जिनको काला पानी तक हो गया, उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया,
और जिसकी वजह से आज स्थिति इतनी ख़राब है कि उनको उस आँख से दिखना भी बंद हो गया है। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि भाई समय रहते आँख का बहुत ध्यान रखें। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर शाहबाज अली है। अच्छा, आज जो कैंप लगाया गया है जी, किसके माध्यम से लगाया और कहाँ लगाया? जी, ये आज जो कैंप लगाया गया है श्री राम मूर्ति हॉस्पिटल बरेली के माध्यम से लगाया गया है। और ये जो कैंप लगा है, ये कैंप लगा है ढकिया में, नगर पंचायत ढकिया SR क्लिनिक पर। ठीक है, क्या उद्देश्य था कैंप लगाने का? कैंप लगाने का उद्देश्य यही था कि ये जो है आँखों में जो अक्सर लोगों के जो परेशानियाँ हो रही हैं, जो बीच बीच में जो देखी जा रही है मोतिया बिंद रिया, कोई किसी तरीके की और परेशानी रही आँखों में जालर या, तो ये गरीबों की सहायता के लिए जो है ये कैंप लगाया गया है हमारे यहाँ पर। इसका बिल्कुल ये निःशुल्क है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और ये ख़ास तौर से गरीबों के लिए ही है। ऑपरेशन की क्या सुविधा है मोतिया बिंद का? ऑपरेशन की सुविधा ये है, क्या गाड़ी वहाँ से आती है बरेली से लेने के लिए और लेकर के जाएगी, खाना खिलाएगी मरीज़ को, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं लेगा, सब कुछ निःशुल्क है एकदम। कितने मरीज देख रहे हैं आज? मरीज लगभग 200 से 250 मरीज़ देख रहे गए यहाँ पर। कितने मरीज हैं जो मोतिया बिंद आएगा, जिनका ऑपरेशन होना? हाँ, जिनका ऑपरेशन होना है कम से कम 20 से 25 मरीज मोतिया बिंद के यहाँ पर देखे गए हैं। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे आप कैंप के माध्यम से क्षेत्रवासियों? संदेश यही है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता मिले हमारे थ्रू, और लोगों को फ़ायदा हो, गरीबों की सहायता हो, इसी से ही बस यही हमारा जो है उद्देश्य है देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो एक तो गरीबी के हाल हैं इस टाइम लोगों के। ठीक है, बस यही माध्यम है इसका।